वेलकम टू पीएस फूड स्टूडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएस फूड स्टूडियो। माय नेम इज प्रदीप सुपर। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिश सॉल्ट एंड पेपर। तो चिकन सॉल्ट एंड पेपर का इससे पहले हमने वीडियो डाला था, तो कमेंट्स आया था एक सब्सक्राइबर का, संजय शर्मा जी का, कि फिश सॉल्ट एंड पेपर बनाइए। दैट्स व्हाई ये वीडियो हम बना रहे हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फिश सॉल्ट एंड पेपर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले सोल फिश, जो कि बिना कांटे का आता है। फ्ले लिया हमने एक 400 से 500 ग्राम का फ्ले ले लीजिए आप भी। और हमें चाहिए होगा चॉप ऑनियन, चॉप रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम, कटिंग हमने पहले ही करके रख ली थी जो कि टाइम वेस्ट ना हो। और हमें चाहिए होगा चॉप धनिया, चॉप ग्रीन चिली। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर क्रश, वाइट पेपर, वेज ब्रोथ पाउडर, चिकन ब्रोथ पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पेस्ट, डार्क सोया सॉस, वाइट विनीगर और एक होल एग और एक सूप कप मैदा, एक सूप कप कॉर्नफ्लोर। तो ये इंग्रेडिएंट्स होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम कट कर लेते हैं अपना फिश को। तो फिश का फ्लेम ले लेंगे, वॉश हमने इसको पहले ही कर लिया है। थोड़ा सा इसका साइड का फैट हटा लेंगे। तो यहाँ पे हम आधा ही यूज करने वाले हैं, एक पोर्शन हम बनाएंगे 200 ग्राम। तो इस तरह से क्यूब्स में हम काट लेंगे फिश। तो देख रहे होंगे इस तरह से क्यूब्स में आप काट लीजिए फिश। तो अब बना लेंगे हम अपना बैटर। 2 चम्मच बड़े हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे मैदा, आधा टीस्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर क्रश, आधा टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पेस्ट, टेस्ट अनुसार सॉल्ट, अंडा भी इसमें हम डाल लेंगे, एग वाइट वाइट सिर्फ हमको डालना है, योग नहीं हम डालेंगे। तो स्टेयर करेंगे इसको, हल्का सा हम डालेंगे पानी। थिक बैटर बनाएंगे। तो बैटर को अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए, ये लम्स ना रहे इसमें बिल्कुल। तो देख रहे होंगे बैटर हमारा बन के हो गया तैयार। तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे अपना फिश जो हमने काटा था। तो 10 से 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे रेस्ट पे, जो कि ये पूरा एब्जॉर्ब कर ले, मसाले वगैरह स्पाइसेस वगैरह पूरा एब्जॉर्ब कर ले जो है। 15 से 20 मिनट हो चुका था, फिश हो गई हमारी मैरिनेट। तो अब चलते हैं, एक तेल की कढ़ाई हमने चढ़ा ली है। तो फिश के पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे सॉल्ट एंड पेपर के। तो एक एक करके डाल लेंगे अपने पकोड़े। तो इसी तरह से सारे पकोड़े डाल लीजिए फिश के। तो देख रहे होंगे फिश गोल्डन फ्राइड कलर आना शुरू हो गया है और काफ़ी क्रंची हमारे पकोड़े निकल रहे हैं। तो थोड़ा देर और करेंगे इसको हम। तो अभी हम हाफ डन ही इसको करेंगे फिश को। सॉल्ट एंड पेपर का पहले हम मसाला बना लेंगे, फिर हम इसको फुल डन करके फ्राई करके फिर डालेंगे, जो कि क्रिस्पी और क्रंची रहे। तो चलते हैं मसाला बना लेते हैं पहले फिश सॉल्ट एंड पेपर का। एक चाइनीज़ वॉक हम ले लेंगे। सबसे पहले उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल 2 बड़े चम्मच, फिर हम डालेंगे एक चम्मच गार्लिक, 1 चम्मच हम डालेंगे हरी मिर्च चॉप, फिर हम डालेंगे 2 कटे हुए प्याज, रेड येलो कैप्सिकम, थोड़ा सा हम रेड येलो कैप्सिकम डालेंगे, अच्छे से इसको स्टेयर करेंगे। अब डाल लेंगे चॉप कोरिएंडर 2 बड़े चम्मच। तो अब हम सिजलिंग कर लेंगे, सॉल्ट डालेंगे टेस्ट अनुसार, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून, चिकन ब्रोथ पाउडर 1 टीस्पून,
ब्लैक पेपर क्रश एक टीस्पून, तो अच्छे से इसको स्टेयर करेंगे। व्हाइट विनेगर डालेंगे एक बड़ा चम्मच, डार्क सोया सॉस एक बड़ा चम्मच, रेड चिली पेस्ट एक बड़ा चम्मच। तो मसाला हमारा हो गया फिश सॉल्ट एंड पेपर का तैयार। अब हम फिश के पकौड़े वेल डन करके फिर इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन। तो अब चलते हैं फिश को फ्राई करने। तो डाल देंगे इनको फुल डन करने के लिए और अच्छे से क्रंची फिश निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है हमें, 2 से 3 मिनट बस। तो देख रहे होंगे फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम निकाल लेंगे अपने फिश के पकोड़े और डाल लेंगे सॉल्ट एंड पेपर के मसाले में। और मसाले को थोड़ा गर्म करेंगे और ऐड कर लेंगे अपने फिश के पकोड़े। देख रहे होंगे क्रिस्पी और क्रंची काफ़ी अच्छे बने अपने पकोड़े। तो बन के रेडी हो चुका है अपना सॉल्ट एंड पेपर। थोड़ा सा डाल लेंगे व्हाइट वाइन विनेगर लास्ट में, टेस्ट को काफी इनहेंस करता है। तो होटल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है, घर पे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं इसको प्लेटिंग करने। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी फिश सॉल्ट एंड पेपर की। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन यू वाचिंग माय वीडियोस। पीएस फूड स्टूडियो योर फ्रेंड्स।